बुरे वक्त की ढाल, घर की नई नवेली। इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन एक साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई न था। पति का अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त ससुर उसे आवाज़ देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ करके मुझे देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण बहू कभी मन ही मन में झल्ला जाती, लेकिन फिर भी ससुर को कुछ न बोल पाती। जब बहू अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह ऊब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दिया कि तुम सुबह उठते के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर ये झमेला समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया। अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह से साफ करके उनके कमरे में रखाई, लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना पुनः हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था। वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ़ सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की साफ़ सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसने एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 24/8/2009, आज के इस भाग दौड़ में बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब तुम मुझे चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना और उसे कभी भी यह महसूस न होने देना कि वो ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर के गुजरे ठीक 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी वो रोज़ घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो। जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। रिश्तों का महत्व समझें और उनको सहेज कर रखें।